हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया साइबर किचन, यानी कि आपका अपना किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी दैट इज़ टोटली ऑयल फ्री। ऑयल फ्री होने के साथ साथ ये मैक्रोनी बहुत ही हेल्दी मैक्रोनी है और इसमें गैस का भी यूज़ नहीं होता और झटपट बन जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। ये एक बोल मैंने लिया है मैक्रोनी, ये मैंने लिए हैं कॉर्न जो कि मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिए हैं, मैक्रोनी को अभी हम बॉयल करेंगे। और ये मैंने लिया है कैप्सिकम जो कि हमें हाफ़ यूज़ करेंगे। ये लिया है रेड बेल पेपर, ये भी हम हाफ़ यूज़ करेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए एक क्यूक्यूम्बर, एक टमेटो और एक लेमन जूस। और इसमें सूखे मसालों में जाएगा सॉल्ट और ये ब्लैक पेपर। और जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है दैट इज़ मैगी का हॉट एंड स्वीट टमाटो केचप। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम मैक्रोनी बनाना। इसके लिए हमें सबसे पहले मैक्रोनी को बॉईल करना है। तो जब तक हम मैक्रोनी बॉईल करने रखते हैं तब तक हम इसकी वेजिटेबल्स काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट आवर हेल्दी मैक्रोनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जियां मैंने काट ली हैं और मैक्रोनी को भी मैंने बॉईल कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट, बहुत जल्दी बन जाएगी ये सब, हमें मिक्स करना है। तो हम मिक्स करते हैं, बीच में डालते हैं एक एक करके वेजिटेबल को। ये मैंने डाल दिया है इसमें रेड बेल पेपर और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कैप्सिकम। अब मैंने इसमें ऐड करने जा रही हूँ टमेटोज़ के बीज हम निकाल देंगे, नहीं तो उससे बहुत सॉगी हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्यूक्यूम्बर। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है हमारा मैक्रोनी सैलेड। और फ्रेंड्स ये गरम नहीं खाया जाता है, इसको ठंडा ही खाया जाता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्न्स। वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम। वैसे इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि हम ये एक हेल्दी मैक्रोनी बनाने जा रहे हैं। सॉल्ट डालेंगे इसमें हम, सॉल्ट ये हाफ टी स्पून से भी कम लेंगे क्योंकि हमारी जो हॉट एंड स्वीट सॉस डालने वाली है इसमें वो ऑलरेडी बहुत स्पाइसी होती है, तो हमें थोड़ा सा सॉल्ट देख करके डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ब्लैक पेपर। और अब हम इसमें स्क्वीज़ करेंगे लेमन। लेमन इसमें पूरा जाएगा और इसमें लेमन और ये रेड बेल पेपर का टैंगी टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट दैट इज हॉट एंड स्वीट सॉस ऑफ मैगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इसमें लगभग 2 टेबलस्पून जाएगी क्योंकि इसी से इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम इसमें कोई अनियन ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको स्लाइटली हाथों से हिला लेंगे। फ्रेंड्स हमारा मैक्रोनी सैलेड ऑलमोस्ट डन है बनकर, और ये जो है बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको गार्निश कर देते हैं कोरिएंडर से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मैक्रोनी सैलेड बनके तैयार है जो कि बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ में है। तो मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे। बाय बाय।